जब आप हाजीपुर आएंगे तो आपको हाजीपुर में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये रामाशीष चौक है जो काफ़ी खूबसूरत बन गया है, हालांकि अतिक्रमणकारियों की वजह से इसकी खूबसूरती पे दाग लगता सा दिखता है। गम बढ़ते जाए कदम, ना थके आप और ना थके हम। एक और बिहार के विकास की गाथा लेकर हाजिर है आपके सामने हम। चलिए खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं रामाशीष कोलंबर। ये देखिए समाधान यात्रा का पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर, फिर यहाँ पे देखिए साइन एक बना हुआ है कि हाजीपुर शहर में जाने के लिए। ये सारे चीज़ देखिए काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। प्रेशर हॉर्न का जो हाल है वो तो आप लोग को पता ही है, वो तो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ा सर्कल है, इसको डेकोरेट अगर कर दिया जाए। हालांकि हाजीपुर में बहुत चीज़ें ऐसी हुई है अभी हाल फिलहाल में जो इस शहर को खूबसूरत बनाता है। हाजीपुर शहर जाने के लिए यहाँ पे एक तो आप मुजफ्फरपुर जब जाते हैं तो एक अलग रास्ता जो पुराना वाला था, और हाजीपुर जाते तो आप इस रास्ते से चल जाएंगे जिस शहर में जाना है, तो ये भी आपका एक समय का बचत है। अभी चल रहे हैं, ये पुराना वाला है और उधर से गाड़ियाँ, पहले जो हम आपको दिखाते थे वीडियो तो इसी पुल पे सारा लोड था, आने वाली गाड़ियाँ भी इधर से ही आती थी और जाने वाली गाड़ियाँ भी इधर से ही आती थी, लेकिन अब बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है। और ये सब जो हो रहा है, एक तो काम जो है पहले से रफ्तार पकड़ा है, प्लस दूसरी बात है कि समय समय पे कई यूट्यूबर के द्वारा अपडेट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो काम जो है थोड़ा सा जल्दी होता है। यहाँ पर देखिए यहीं से हम वीडियो बनाते थे और जाने के लिए, और लास्ट वीडियो जब बनाए थे तो इस पर बहुत काम बाकी था, उसके बाद लगा था कि सुस्त होगा, धीरे धीरे चलेगा जैसे चलता है, लेकिन इस बार हम धोखा खा गए और ये काम इसका पहले हो गया। यहाँ से हम चल रहे हैं और ये देखिए अब आराम से जो ये फोर लेन का सफ़र है हाजीपुर से छपरा, फोर लेन का जो सफ़र है, सफाई वगैरह भी हो रहा है। ये देखिए तो हाजीपुर छपरा फोर लेन का जो सफ़र है वो देखिए आराम से हो रहा है। छपरा की तरफ अभी गाड़ी का रुख है और उस तरफ अभी फ़िलहाल मिट्टी वगैरह ये करके उसको ये करके, अरे कहते हैं कि काम अगर आप करना चाहें तो तुरंत काम करने में कोई परेशानी है, तुरंत काम हो जाता है, और अब डिले होता है तो डिले होता ही चला जाता है। और आजकल के चक्कर में वर्षों बीत जाते हैं, वही इस प्रोजेक्ट के साथ हुआ है। आजकल परसों के चक्कर में वर्षों बीत गए और ये जो रेलवे ओवरब्रिज है ये अब जा कर के 2023 में फाइनल हुआ और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इधर से लोग फोर लेन से आते थे, हालांकि गंडक पुल पे फोर लेन नहीं है, अंजानपुर के पास फोर लेन नहीं है, और इधर से लोग टू लेन पे जाते थे, सफ़र करते थे, लेकिन अब ये बन जाने से अब लोगों को काफ़ी सुविधा होने वाली है इस रोड की वजह से, क्योंकि अब सीधा यहाँ पे कोई कंजेशन नहीं होगा, गाड़ियाँ बस हमारी और आपकी लापरवाही से जब रुकेगी तभी जाम लगेगा। वैसे यहाँ पर जाम लगने का प्रश्न नहीं उठता है, ये देख सकते हैं। '23 की शुरुआत में ये सौगात जो लोगों को मिली है, इस फ्लाईओवर की मदद से लोग अब आसानी से आ जा सकेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे अगर गाड़ियां जाम रहेगी तो क्या लोग स्मूथ आ जा सकेंगे। यहां पर देख सकते हैं, प्लस ओवरटेक करने वालों की भी कमी नहीं है, ये तो आप देख रहे हैं। और जितना स्मूथ सड़कें हो रही है, लोग भी उतने ही उतावले हो रहे हैं। सामने देख रहे हैं हाजीपुर स्टेशन, ये दीवाल देख रहे हैं और दीवाल को रंगीन भी किया गया है, वो भी आप देख रहे हैं किस हिसाब से लोगों ने दीवाल को रंगीन किया है, और साधारण जो इनका जो साइड वॉल होता है उससे इनका दुगना ये साइड वॉल इस तरफ बना है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका बोर्ड है जो लगना है, प्लेसिंग होना है, रामाशीष चौक का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और इस तरफ भी कुछ है लिखा हुआ, उधर वो पता नहीं चल पा रहा है।
है यहाँ पे गो स्लो NH31 ये बोर्ड भी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि नंबरिंग जो है बदल गया है। पहले NH19 था लेकिन अब नंबरिंग इसका बदल गया है। और ये देखिए इसी पे आते थे, काफ़ी मुश्किल होता था लोगों को आने जाने में, अभी भी पैदल लोग चलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो अपडेट था, कैसे बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, इसका वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए केबल बिछाया जा रहा है, सोलर लाइट नहीं लग रहा है इसमें, कौन सा लाइट लग रहा है? तो ये सोलर लाइट लग रहा है कि बिजली वाला? बिजली चलेगा। चलिए, तो उसका कहाँ होगा कनेक्शन, कैसे लीजिएगा? कितना वाट का है? 500 वाट का है। 500 वाट का एक लाइट है, LED। चलिए, एक साइड में 40। अब पुराने वाला पे भी लगेगा? पुराने वाले पे, पुराने वाले पे। तो सोलर लाइट लगता है ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि 40 लाइट लगना है इस पर, और 500 वाट का जो लोड है, तो जोड़ लीजिए कि कितना होता है, लगभग 20,000 वाट का ये लोड होगा। तो सोलर से जलेगा तो जो भी है बचत होगा ऊर्जा का। तो ये है आपका, इधर से एंगल देखिए, इधर से आपका शहर कैसा दिखता है, हाजीपुर, वो देखिए खूबसूरत सा लगता है। और वॉल जो है इसका पहले से मतलब कि ऊंचा है, और ये वायर को लेकर के जा रहे हैं, काफ़ी वायर का भी जो भार होता है ना, वो भी काफ़ी होता है। आजकल तो एल्युमिनियम का तार कवर करके आ रहा है, पहले वाली बात तो रही नहीं कि तांबे का तार आता था, तो उससे भी एक फर्क पड़ता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका मुजफ्फरपुर वाला रोड है, तो मुजफ्फरपुर चला जाएगा रास्ता, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। वहाँ पे हाजीपुर जोनल ऑफिस है, वहाँ पे सामने आप देख रहे हैं जो बड़ी वाली बिल्डिंग जो वहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला। और ये आपका रास्ता है, देख सकते हैं, और किस हिसाब से गाड़ियाँ लगती है, ये देखिए जाम क्यों नहीं लगेगा, और कितना लेन का रोड चाहिए भाई, हर तरफ गाड़ियाँ हैं, और छोटी मोटी जो दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं इस आवागमन को, करोड़ों रुपये के सड़कों को बाधित करता है। और यहाँ पर ये देखिए, तो ये है आपका रामाशीष चौक गोलंबर पे जो फ्लाई ओवर रेलवे ओवर ब्रिज जो काफ़ी दिनों के बाद बना है, कंप्लीट हुआ है, चालू हुआ है, उसकी तस्वीर। सामने रामाशीष चौक का गोलंबर है बड़ा सा, जो मुजफ्फरपुर से आने वाली गाड़ियों को, छपरा से आने वाली गाड़ियों को, सोनपुर से आने वाली गाड़ियों को पटना की तरफ भेजता है, या फिर पटना से आने वाली गाड़ियों को हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोरौल, इन सब जगहों पर, मोतिहारी, मधुबनी, जो भी है, ये यही एक आपका पटना से जब आप चलते हैं तो यही इसका ये है। यहाँ पे काम चल रहा है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गोलंबर है, नया वाला जो गांधी सेतु बन रहा है और पुराना वाला जो गांधी सेतु है, अगर देखा जाए तो दोनों का अप्रोच रोड यहीं से, इस गोलंबर के पास से शुरू होता है और शुरू होकर के पटना के 0 माइल तक जाता है। तो ये तस्वीर, प्यारी सी तस्वीर आपके लिए, ये देख सकते हैं। अब ये देखिए परमानेंट यहाँ पे शिफ्ट है ये लोग का, क्रेन वाला, पहले बहुत होता था लेकिन अब ये लोग एक लेन कवर कर दिए हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं जगह देने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है बिहार के विकास की ये गाथा आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फिर मिलेंगे किसी और नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।